हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो माय डियर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम का जो मीनिंग होता है वो मसल से होता है। हमारी बॉडी जो है बोन से मिलके बनी होती है, और बोन्स को जो है वहाँ पे हैंडल करने के लिए उसके ऊपर जो है हमारी मसल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारी बॉडी को जो मोमेंट मिलता है वो मसल्स के थ्रू मिलता है। तो हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं, कौन कौन से पार्ट में हमारी बॉडी में कौन से टाइप की मसल्स पाई जाती है। तो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है। पहले इसमें डेफिनेशन, जो मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू के द्वारा बनी होती हैं, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग टिश्यू पाए जाते हैं, और वो हमारे जितनी बोन्स होती है उनके चारों तरफ वो क्या होती है वहाँ पे उनको हेल्प करती है और उनको मूवमेंट करने में उनको मदद करती है। और हमारी को जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये डिफरेंट टाइप की मसल से मिलके बना हुआ होता है, और इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो हम आगे वाली स्लाइड में इनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। इसमें ये बताया हुआ है कि ऑल मसल्स जो हैं टिश्यूज़, जितने भी हमारे मसल्स के टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। और जब सेल्स मसल के कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो शॉर्टर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और हमारे टिश्यूज़ जो हैं उसको हिलने में मदद करते हैं। उसके बाद है जो हमारे मसल्स टिश्यू होते हैं वो उनकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो थोड़ी रिलैक्स होती है, वो थोड़े फैलाव होते हैं, उसमें थोड़ा वो इंक्रीज होती है और वो डिक्रीज होती है, जिसके कारण हमारी जो बोन्स होती है उसमें मूवमेंट होता है। जैसे देखो यहाँ बता रखा है ये रिलैक्स है इसमें, जिसको ट्राइसेप्स है, और ये कंट्रैक्टाइल हो रहे हैं, जो कंट्रैक्टिंग हो रहा है वो बाइसेप्स में। यानी कि यहाँ पर रिलैक्स और कंट्रैक्ट, जो कंट्रैक्टिंग है इनका यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये इसने रिलीज़ कर दिया बाइसेप्स को, बिल्कुल सीधा कर दिया, रिलीज़ कर दिया, और ये हमारी जो कंट्रैक्टिक जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं वो इसमें इस ऐसे दिखाया हुआ है इसको। इसका जो फंक्शन होता है, सबसे पहले मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जितने भी हमारी मसल्स होती हैं ये हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, और जो मोस्ट ऑफ मसल्स होती हैं ये हमारे बोन्स के साथ में अटैच होती हैं, और ये मसल्स जो हैं हमारा पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है बॉडी का उसको मूव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसके बाद हमारी जो बोन्स है वो मूव होती है, आगे पीछे होती है, साइड में होती है, और जो मूवमेंट होता है वो फास्ट भी हो सकता है, वो स्लो भी हो सकता है। हम कभी कभी जब एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उस टाइम जो है इनका रोल होता है। और ये जो मूवमेंट होता है ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, और इसके अलावा जो मूवमेंट होता है ये स्ट्रेचिंग के दौरान होता है। जब हम बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस टाइम जो है हमारी मसल्स जो हैं वो मूव करती हैं, और हमारी बोन्स जो हैं वहाँ पर वो आगे पीछे चलती हैं। ये हमारे पार्ट्स के नाम हैं कि यू हैव मैनी मसल्स, हम बहुत सारी मसल्स रखते हैं अपनी बॉडी में, और दे कैन नॉट बी अटैच टू द बोन, वो बोन के साथ में अटैच नहीं होती। ऐसी भी कई तरह की मसल्स हमारी बॉडी में होती है, जो एग्जांपल के लिए इसमें दिखाया हुआ है। जैसे हमारा हार्ट होता है तो हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं, वहाँ पर जो हैं बोन्स नहीं होती हैं। तो ऐसे भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे हमारी ये है इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ही मसल्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो बोन्स है वो अवेलेबल नहीं होती है। ये स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे इसने फंक्शन बताया हुआ है कि जो मसल्स होती है वो हमारी जो बोन्स है उसके ऊपर अटैच करके उसको सपोर्ट करती है, और बॉडी को हमारी जो बैलेंस है, जो हमारा चलने का तरीका है, उसको मेंटेन करती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो बैलेंसिंग होती है। जो टेंडन्स होते हैं वो बोन्स के साथ में अटैच होते हैं, और मसल्स जो हैं वहाँ पे उनके साथ में टेंडन्स वहाँ पे मदद करते हैं उसको अटैच होने के लिए। उसके बाद जो टेंडन्स वर्क विद द मसल्स, यानी कि टेंडन्स जो है वो मसल्स के साथ मिलके काम करते हैं अपना, और जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उनको प्लेस पे
रखने में मदद करते हैं और जॉइंट्स को जो है मूव करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो जॉइंट्स में हमारी मसल्स होती है वहाँ पर जो है टेंडन्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और टेंडन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की करेक्ट पॉस्चर और शेप को बनाने में और उसको मेंटेन करने में। इसमें दिखाया हुआ है कि जो टेंडन्स होते हैं ये जो टेंडन्स आर स्ट्रोंग बट फ्लेक्सिबल एनअप टू द अनेबल जॉइंट टू मूव। देखो ये जो जितने भी यहाँ पे जो टेंडन्स होते हैं ये इसको मजबूत पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो बोन्स होती है वो जो जॉइंट बना हुआ है उसको जो है हिलने में मदद करती है, लेकिन जो हमारे टेंडन्स होते हैं वो वहाँ पर एकदम फिक्स होते हैं। ये प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो मसल्स होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसके ऊपर सारी जितनी भी हैं वो मसल्स होती हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, मसल्स आल्सो कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं सारे ऑर्गन्स को जो है मसल्स कवर करती हैं, उनको मेंटेन करती है। मसल्स जैसे लेयर, हमारी पैडिंग जो लेयर होती है उसके चारों तरफ एब्डोमिन में, हमारे चेस्ट में है, बैक में है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें सारे में मसल्स होती है, और वो हमारे ऑर्गन को हेल्प करती है ताकि हमारे ऑर्गन में किसी तरह का कोई भी इंजरी ना हो। यहाँ पे जो डायग्रामेटिक में दिखाया हुआ है कि जो मसल्स होती हैं ये एब्डोमिन है, ये चेस्ट है, तो ये सब इनमें जो है हमारे जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर उनको हेल्प करती है। और ये टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 फारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कैसे हमारी जो मसल्स होती है वो मदद करती है। तो जो हमारा सिस्टम होता है उसमें मसल्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि हमारा इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो ठीक रहे, एक रेंज में रहे, ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। और हम जो हैं ये इसमें कभी कभी अनुभव करते हैं, कभी कभी हमें फीलिंग्स होता है कि कभी हमें एकदम शिवरिंग हो जाती है, हम कांपते हैं, और कभी कभी हमें गर्मी लगती है। शिवरिंग जो है जो रैपिडली होता है उसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्टिंग होती हैं, और उसमें जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा जो है एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, और उसके बाद में जो वहाँ से थर्मल एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। ये टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, मसल्स मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, नंबर वन स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये तीन तरह के मसल्स होते हैं, इनके एक एक के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले है हमारा जो है स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन सिस्टम को बनाते हैं और हमारी बोन्स के साथ में वो अटैच होते हैं, उसको हम स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं। स्केलेटन जो मसल्स होती हैं इनको हम वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं, जो अपना काम जो है अपने आप करती है। और जो वॉलेंट्री मसल्स होती है वो मसल्स ऐसी होती हैं जो ओकेशनली हमारी बॉडी को वो कंट्रोल करती हैं, उनको वो एकदम अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। और अनादर जो एग्जांपल होते हैं इसमें जो बताया हुआ है कि जैसे लिफ्टिंग करना हो, है ना, अपनी लेग को ऊपर करना हो और हम उसको रोक के रखें तो वो कंट्रोलिंग हो गया। इसके लिए जो कंट्रैक्शन होता है स्केलेटन का वो जो क्विक होता है, पावरफुल होता है, इसमें हम जो है भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हमारा क्विक रिएक्शन होता है। इसके अलावा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हम कोई क्रैम्प्स आ जाते हैं खेलते खेलते, कभी कभी हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेन होता है, तो वहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं वो अपनी जगह से हट जाती हैं, उनको फिर मसाज करना पड़ता है, या कभी कभी सिट्रिक एसिड ज़्यादा होने के कारण बॉडी में हमारे जो मसल्स हैं उसमें वो क्रैम्प्स आ जाते हैं। जैसे एथलेटिक्स वगैरह होते हैं जो खेलते हैं ज़्यादा, उनमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जो हमारा स्केलेटन जो मसल्स होती है ये हमारे लाइफ में चेंज होती रहती है, हमेशा एक जैसी ये नहीं होती है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है इसकी जो बॉडी है ये चेंज है, एक्सरसाइज कर रहा है ये। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स जो हैं बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं,
और जो एंटायर मसल्स होती हैं वो स्ट्रोंगर होती है, मजबूत होती है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो चेस्ट है वो अलग से दिखाई देगी, हमारे शोल्डर जो हैं वो एकदम हैवी हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो हमारी बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये सब जो हैं एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना एक्सरसाइज करोगे वैसे जो हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होंगे और वो जो हार्ड होंगे और वो फिर हमें ऊपर से ही उनकी लुक दिखाई देगी। ये कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो केवल हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, इसके अलावा किसी भी बॉडी के पार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जो अपना काम खुद करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। जिन मसल्स को हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। ये हार्ट का डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें बोन्स का कोई रोल नहीं होता है और इसमें जो कार्डियक मसल के द्वारा हमारा हार्ट बना होता है, यानी कि इसमें जो आगे बताया हुआ है कार्डियक के बारे में, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, यानी कि पहला एक कंट्रैक्शन होगा फिर उसके बाद उसका रिलैक्सेशन होगा। ये क्या करती हैं, पंप करती हैं, ब्लड को आगे भेजती हैं। हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं पूरी बॉडी में जो ब्लड हमारा जाता है वो हार्ट के द्वारा जाता है, जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा। कार्डियक मसल्स जो सेल्स होते हैं उनकी ब्रांचेज होती हैं, वो डिस्क शेप की होती हैं जो उनके एंड होते हैं, और जो डिस्क शेप जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं ये एक सेल से दूसरे सेल को, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होंगी वो सिग्नल पास करेंगी ताकि हमारी जो जो हमारा कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो कंटिन्यू बना रहे। ये सिग्नल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये कार्डियक मसल्स के सेल को ये कंट्रैक्ट करने में, और जो है ये सेम इनका जो कंट्रैक्शन होता है और ये ऐसा स्पेशल होता है ताकि जो है इसमें कोई चेंजेस ना आए। ये हमारा हार्ट है, एक बार ये क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो हमारा ब्लड है वो आगे जाता है, फिर वो पार्ट हमारा रिलैक्स करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसमें हमारा ब्लड आगे पंप करता है। ये थर्ड नंबर है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाई जाती है। जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें जो लाइन होती है, जैसे ब्लड वेसल्स हैं और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स के द्वारा बने हुए हैं। स्मूथ मसल जो हैं इनवॉलेंट्री मसल्स नाम दिया गया है इनका, और ये स्मूथ इनका अपीयरेंस होता है। इनका जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो स्मूथ मसल्स जो है मूव करती है आगे और मटेरियल को आगे पास करती है, और ये जैसे हमारा फूड है, खाना है स्टमक में, वो इसके द्वारा ही आगे जाता है। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे जो जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है, जितने हमारे वेसल्स होते हैं उनके मूवमेंट है, और जो हमारा स्टोमक है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। ये इसमें एग्जांपल बताया हुआ है, देखो यहाँ पे ये हमारा जो है पूरा का पूरा आता है खाना स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारी जो है स्मूथ मसल्स के द्वारा ये बना होता है। ये हमारी हेल्दी मसल्स होती हैं, हमारी वो मसल्स होती हैं जिसमें हम हेल्दी फुल डाइट लेते हैं, और जो हमारी मसल्स होती हैं वो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब वो कंट्रैक्ट होते हैं, और एनर्जी जो आती है वो खाने से आती है। अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि ईटिंग जो डाइट होती है वो फुल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें जैसे प्रोटीन्स, फाइबर्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जो हैं होनी चाहिए ताकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें और वो काम करें अपना। ये एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि जो हमारी मसल्स है, एक्सरसाइज आल्सो हेल्प कीप योर मसल्स हेल्दी। एक्सरसाइज करने से जो हमारी मसल्स होती हैं वो हेल्दी होती हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो एकदम फिट रहती हैं। मसल्स गेट द स्मॉलर और वीकर विदाउट एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए जो वीक मसल्स होती हैं उनको हम इंक्रीज़ करना चाहिए, और जब वो नहीं करेंगे तो हम उसके बाद जो हार्ट डिजीज़ होने के चांस होते हैं। इसलिए हमेशा जो है हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो है वो
एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। बोन्स जो हैं अगर इंजरी होती है तो उसके लिए जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, और हमारे जो जो कोई हेल्दी पर्सन नहीं होते हैं उसको डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस होते हैं बोन में। जॉइंट्स जितने भी हैं वो स्टेबल नहीं रहेंगे अगर मसल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। अगर हमारी हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी और छोटी हो जाएंगी तो हमारी जो बोन्स होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। ये बता रहा है द मस्कुलर सिस्टम एंड द होम्योस्टेसिस, यानी कि जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है वो होम्योस्टेसिस में कैसे रोल प्ले करता है, यानी कि बहुत सारे तरह की मसल्स जो सिस्टम होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे जो होम्योस्टेसिस, जो हमारा ब्लड है उसको लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो जो केमिकल जो हम कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल एनर्जी में, उसके बाद थर्मल जो एनर्जी बनती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और थर्मल एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को वार्म करने में हेल्प करती है। इसके बाद है जो अगला पॉइंट है हमारा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम एक्सरसाइज के दौरान लेते हैं, और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से रिलीज होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम सांस बड़ी जल्दी जल्दी लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे सेल्स को एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट को हेल्प करती है उसको मेंटेन करने के लिए, और होम्योस्टेसिस को वहाँ पे कंट्रोलिंग करने के लिए हमें जो है इन कार्डियक मसल्स की वहाँ पे नीड होती है। और जब हार्ट जो कॉन्टैक्ट करता है बड़ी जल्दी जल्दी तो पंप करता है, फिर जल्दी जल्दी वो पंप करेगा और जल्दी हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भी जल्दी जाएगा और सारे सेल्स जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे उसके। तो ये हमने आज को बच्चों बताया आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में। और जो हमारी मसल्स होती हैं मेनली तीन टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती हैं कार्डियक मसल्स और एक होती है स्मूथ मसल्स। तो बच्चों ये जो हमारा आज का वीडियो था इसमें हमने आपको मसल्स के बारे में कुछ यहाँ पे टिप्स दिए हैं, इन टिप्स को आप याद करिए और इनको फिर आप किसी दूसरे को भी आप पढ़ा सकते हो, या अपने लाइफ में अगर कोई पूछता है कि कार्डियक मसल्स कहाँ होते हैं तो तुरंत बताओगे कि ये कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। तो बच्चों धन्यवाद।